कल्चर शो मुनक्किद किया गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज का सीन कुछ इस तरह का भी है, मुझे इस वक्त जाना है अपारा कम्युनिटी सेंटर इस्लामाबाद। चतराल स्टूडेंट एसोसिएशन के ज़रिए से वहाँ पर कल्चर शो मुनक्कद की गई है, तो उसके लिए मुझे इस्लामाबाद जाना है। फाइनली अभी इस वक्त हम तैयार होकर घर से निकले हैं, अभी हमने जाना है की तरफ। तो आज मेरे साथ सलीम भी मौजूद है। इस्लामाबाद के सफर के हवाले से आपको मैं बताऊँ तो शाह से इस्लामाबाद का सफर 120 किलोमीटर है। हावर्स के हवाले से आपको बताऊँ तो 2 घंटे 50 मिनट या 3 घंटे में हम इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। हम दोनों की कोशिश है कि हम दिल्ली से पहुंचे, स्पेशल हम रिजवान के लिए जा रहे हैं। हम इस वक्त फाइनली स्काईवेस पहुंच गए। भजन इस्लामाबाद 2:00 बजे पर रवान से चले। शुक्र है कि 10 मिनट बाकी हैं और इस्लामाबाद के लिए 2 सीट हमने बुक कर ली है। हम कुछ कभी आ सकते हैं। तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम फैजाबाद पहुंच गए इस्लामाबाद। तो अभी हम यहां से जाएंगे कम्युनिटी सेंटर की तरफ, साइकिल में बैठ गए। चले बिस्मिल्लाह करें। फाइनली वे अभी इस वक्त मैं अपारा कम्युनिटी हॉल पहुंच गए। यहां पर इवेंट जारी है, तो बाकी आप इवेंट इंजॉय करें, बाद में आपसे मिलता हूँ मैं। लास्ट सेमेस्टर में अभी चल रहा है और आज हम यहाँ पे चित्राली कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी हमारे दोस्त चित्राल के थे, हमारी सोसाइटी है यूनिवर्सिटी के अंदर,
तो उसी को लेके हम लोगों ने आज यहाँ पे कल्चर इवेंट मुनाकिद कराया था गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के लोगों के लिए। मेरा नाम वसीम अली शाह है और मैं नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा सेमेस्टर है, मैं इसका मेरे डिपार्टमेंट आप लोगों ने देखा होगा कि जिसमान यूनिवर्स भी आया था। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अजीम सर वसाइल, इस तारीफ़ के मोहताज नहीं है, चित्राल फिक्सीज के प्रेसिडेंट, अंजुमन तरक्की फवार के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं और वो आज अपने ख्याल का इजहार हम करेंगे। हाँ, नमल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था, कल्चर के हवाले से था। तो मैं बताना चाहूँगा कल्चर को इस तरह प्रमोट करना, इस तरह इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना कितना ज़रूरी है। ये हमारा जो चित्राल का कल्चर है, ये रिच कल्चर है और इसको मज़ीद प्रमोट किया जाए तो इन चीज़ प्रमोशन के लिए, एक्सपोजर के लिए इस तरह के इवेंट होने चाहिए। और मैं नमल के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे उनका बेहद मशहूर हो कि उन्होंने हमें मदू किया, हम पेशावर से आए हैं। इतनी बड़ी दाढ़ी, तो उसके हवाले से आप बताएं क्या ये बड़ी करने की वजह क्या है? यार बेसिकली बचपन में बाल रखने का शौक़ मुझे था, लेकिन फैमिली की तरफ से क्योंकि स्कूल में भी और कॉलेज में भी ज़्यादा बाल रखने का वो रिवाज नहीं था हमारे यहाँ, आपको पता है। तो बाल रखने का एक शौक़ था मुझे, लेकिन बाद में ऐसा हुआ जब मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ, अभी इस्लामाबाद में मुझे 5-6 साल हो गए और न चाहते हुए भी कुछ उस तरह के फील्ड्स में घुसा हूँ, जैसे कि मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ और मैं मॉडल हूँ, तो उसी वजह से इसी गेटअप के साथ लोग मुझे पसंद करते हैं और अच्छा। मुझे इसी गेटअप के साथ काम मिलता है तो इसी वजह से रखा क्या वाले साहब हैं, मुझे बहुत बड़ी हाँ एक तो लिमिट होता है, आपने लिमिट को क्रॉस किया? नहीं, असल में अब बता रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा फील्ड ऐसा है, क्योंकि मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ और इसी हुलिये की वजह से मुझे काम मिल रहा है, इसी वजह से मेरा अच्छा। चले, आप बाल आपके माशाल्लाह बहुत नरम बाल हैं, और दाढ़ी के हवाले से बताऊँ तो दाढ़ी भी माशाल्लाह और तो मसला तो इशू नहीं, और आपके मूछे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, आप सब बहुत मज़ा कर रहे हैं, और थैंक यू आपके टाइम देने के लिए, इतने कीमती वक्त देने के लिए। चित्राल सेमेस्टर नमल की तरफ से आज कल्चर शो मुनक्किद किया गया था, इसमें चित्राल से यंग म्यूजिशियन आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम में आके आपको बहुत खुशी मिली होगी और वीडियो देख के आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और आगे अपने दोस्तों से जरूर पहुँचाएँ, और चित्राल सेमेस्टर नमल की पेज भी आप ऊपर मैंशन की होगी, आप काइंडली जाकर उसको भी विजिट करें और हमें भी फॉलो कीजिएगा फेसबुक पर। थैंक यू। साथ जाते जाते अगर आप लोगों ने मेरा चैनल भी अगर विजिट करके उसे सब्सक्राइब कर दें, और ऊपर लिंक बाई कोडिंग दिया होगा, उधर जाके चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें, बहुत थैंक यू वेरी मच। फाइनली कल्चर शो अख्तिताम को पहुंच गए हैं पारा कम्युनिटी हॉल की तरफ से, अभी सीन कुछ इस तरह है कि अभी हमने जाना है घर की तरफ, तो देखते हैं यहाँ पेशावर में आएंगे यहाँ पर या स्टे करेंगे और कल पेशावर के लिए रवाना होंगे। तो उससे पहले हम लोग कुछ सोचते हैं देन, तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए, और जिन भाइयों ने अपने पेज और उसके हवाले से बताया तो उनका भी पेज विज़िट करें, उनको भी फॉलो करें और लाइक करें, कमेंट करें, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।